a very important issue or let me brief the house also कि जो टीपरा सा अकॉर्ड हुआ है जो आज से चार दिन पहले हमारा मीटिंग दिल्ली में हुआ विद द स्टेट गवर्नमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड माई सेल्फ एंड बी के रंगखोल द फर्स्ट इशू आई रेज वॉज ऑन द एजुकेशन चेयरमैन ऑनरेबल चेयरमैन आज के दिन we have 1633 schools under ETC 41 hostels aur kuch school mein 5 students hai 3 teachers hai aur koi school mein students hai teachers nahi jaate mujhse pehle Dhirendra Devarma has spoken about saikar but this is not only in saikar Padalochan has spoken This problem is systemic. System या फिर कोई political leader को phone करके transfer रुकवाता है या अगर administration ने order भी दिया है कि किसी को कहीं में posting करना है तो ये लोग अपने officers के through बात नहीं मानते It is very sad. और दुख की बात है कि कुछ टीचर्स जो क्लास 10 पास है उनको आज 60,000 70,000 80,000 का सैलरी मिल रहा है और हमारे जो यंग क्वालिफाइड तिब्रासा बॉयज एंड गर्ल्स हैं जिन्होंने बीए पास किया है जिन्होंने टीईटी एग्जाम्स दिया है आज अनएम्प्लॉयड है या फिर होली क्रॉस डॉन बॉस्को में 10,000 12,000 15,000 में काम करते हैं हम लोग मेरिट को रिवॉर्ड नहीं करते हैं हम लोग मीडियोक्रिटी को रिवॉर्ड करते हैं दिल्ली में मैंने ये बात कहा स्टेट गवर्नमेंट से मेरा बात हुआ चीफ सेक्रेटरी से बात हुआ मुख्यमंत्री जी से बात हुआ ऑनरेबल चेयरमैन दुख का बात है कि स्टेट कहता है कि उनके पास पैसा नहीं है और सेंटर अभी तक कोई कॉन्क्रीट अश्योरेंस नहीं दे पदलोचन ने एक अच्छा बात बोला रिगार्डिंग एजुकेशन आज अगर हमारा नेक्स्ट जनरेशन को अच्छा क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलेगा तो कल नौकरी भी नहीं मिल जाएगी और मुझे अंदर से घृणा होगी आई एम डीपली अपसेट डिस्गस्टेड फ्रस्ट्रेटेड क्योंकि हम लोग कुछ नहीं कर पाए ना ट्रांसफर रोक सकते हैं ना स्कूल को अपग्रेड कर सकते हैं इंग्लिश मीडियम में लेकिन करें तो क्या What can we do? स्टेट गवर्नमेंट से बात करूं स्टेट गवर्नमेंट का भी जेन्यून रीजन है वो कहते हैं कि फंड्स नहीं किताब बुक्स ऑफ अकाउंट्स मांगा है नहीं सेंटर बोलता है कि पैसा देंगे लेकिन अभी काम कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए 6 महीना कुछ नहीं होता है स्टूडेंट के लिए 6 दिन भी बहुत होता है एंड इससे पहले संजीत ने एक बात बोला कि अनिमेश स्टेट गवर्नमेंट में कैबिनेट मिनिस्टर 3 साल में तिब्रा मोथा बीजेपी ऑपोजिशन में था लेकिन 20 साल स्टेट गवर्नमेंट में सीपीएम था एडीसी में सीपीएम कैबिनेट में सीपीएम का एक मेंबर था एडीसी में भी 20 to 22 सीपीएम तभी भी कुछ नहीं वाई हम लोग आज के दिन कुछ नहीं कर पाए व्हाट इज द डेवलपमेंट फंड
ये सिस्टम को पब्लिक को जानना चाहिए। आज डेवलपमेंट फंड जिससे हमको रास्ता बनाना है, स्कूल का रिपेयर करना है, पब्लिक का सुविधा देना है, वो डेवलपमेंट फंड को हम लोग डेवलपमेंट में इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम लोग सैलरी पे करते हैं, पेंशन पे करते हैं। ये फाइनेंशियल कंकरेंस कि अपना डेवलपमेंट फंड से आप लोगों को नौकरी दो, जो आपका भतीजा है, जो आपका भांजा है, मामा है, ये किसने शुरू किया? हर साल बजट पास होता है, फाइनेंशियल कंकरेंस के बिना स्टेट गवर्नमेंट से पैसा तो स्टेट गवर्नमेंट ही देगा, लेकिन हमने बिना इंटरव्यू का, बिना रिटन एग्जामिनेशन का हमने नौकरी दिया है। वॉक इन आया, वोटर कार्ड था और नौकरी दिया। क्लास 8 को, क्लास 9 को हमने टीचर्स बनाया। आज वो लोग ए फॉर एप्पल भी नहीं बोल सकते हैं, वो हम लोगों के बच्चे को क्या शिक्षा देंगे? अगर हमको किसी यंग जनरेशन को नौकरी देना है तो पैसा नहीं है, और जो क्वालिफाइड नहीं है वो आज टीचर का काम कर रहा है और स्कूल भी नहीं जाता टाइम में। तो और अगर आज हमने बोला कि हटाओ तो आंदोलन शुरू हो जाएगा रास्ते में, तो करें तो क्या करें? इट इज फ्रस्ट्रेटिंग द सिचुएशन। लीडर्स लोग आते हैं, उस दिन बरकथाल में एक नेता ने बोल दिया कि हिंदू के हाथ में त्रिशूल होना चाहिए, आई वॉन्ट हमारे बच्चे के हाथ में कलम, लेकिन नहीं, सुदर्शन चक्र होना चाहिए हाथ में, त्रिशूल होना चाहिए, बुलडोजर होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि अपने लड़के लोग, अपने लड़कियों लोग अच्छा गाड़ी चलाए, लोग बुलडोजर का बात करते हैं, कोई त्रिशूल का बात करता, कोई कलम का बात नहीं करता। And I'm not talking as a politician, I'm talking as a depress. I feel hurt. Development fund ho. Yahan mein, Delhi mein maine baat kiya. Cluster ko, cluster kiya jaye, school ko. 1633 schools hai. Darkar nahi hai 10 school. Agar 400 quality English medium school humne banaya, to next generation ko ek mauka milega. और जो आज क्वालिफाइड टीचर्स हैं, जो होली क्रॉस में, डॉन बॉस्को में, जो भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में 5,000, 10,000, 12,000 में काम कर रहे हैं, उनको आज 50,000, 60,000 का नौकरी मिल सकता है, लेकिन नहीं, हम लोगों को मेरिट को नहीं देना है चांस। रिटन एग्जाम्स में कुछ करे तो फेसबुक में कॉन्ट्रोवर्सी होता है, इंटरव्यू में कुछ करे तो लोग चिल्लाते हैं, कोई आदमी सिस्टम को क्लीन करना चाहे तो हजार लोग एक होकर चिल्लाते हैं। दिस इज अ वेरी सीरियस इश्यू एंड आई अर्ज कि हम लोग यहां में जितना भी बात कर ले, फंड नहीं है, वो है, ये है, हम लोग राजनीति कर रहे हैं। और अगर कुछ करना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड गिव अ स्पेशल पैकेज टू द TTAADC, कोई भी सरकार हो, सो दैट हम लोग अपने एजुकेशन सिस्टम को सुधारे। टिल द टाइम हम लोग क्लस्टर स्कूल्स नहीं करते हैं, रेजिडेंशियल स्कूल्स नहीं करते हैं, टिल द टाइम हम लोग क्वालिफाइड टीचर्स को चांस नहीं देते हैं टीचिंग करने के लिए, और स्टेट गवर्नमेंट का पॉलिसी है वन स्टूडेंट वन टीचर 25 स्टूडेंट्स, एडीसी में स्कूल में 3 टीचर 10 स्टूडेंट्स, 2 टीचर को ट्रांसफर करें 50 फोन आता है। आई अर्ज, यहां में ईएम है, पूरा जिंदगी तो आप ईएम नहीं रहेंगे ऑनरेबल ईएम, लेकिन लोग याद करेंगे कि आपने स्टूडेंट के बारे ज्यादा परवाह किया, वो फोन कॉल के बारे ज्यादा परवाह नहीं किया। एक्शन लेना पड़ता है, और अगर एक्शन नहीं ले सकते हैं तो आप फोन नहीं उठाना बंद कर दीजिए।
लेकिन पार्टी के नाम में, वोटिंग के नाम में ये प्रेशर को लेना, वी आर कमिटिंग अ सिन, हम लोग वी आर कमिटिंग अ सिन ऑन आर नेक्स्ट जनरेशन। ऑनरेबल चेयरमैन, दिस एजुकेशन इज वन, ये एजुकेशन अगर हमने ये सिस्टम को ठीक किया है, इसी मरने के बाद भी लोग बोलेंगे कि कुछ किया एज ऑपोजिशन एज रूलिंग वट एवर, लेकिन हमको लॉन्ग टर्म एक विजन होना पड़ता है। पॉलिसी क्या है, बजट क्या है, और अगर प्रेशर डालना है तो हम सबको मिलकर एक साथ प्रेशर डालना चाहिए। मैं दिल्ली में गया हूं, मैंने बात उठाया है कि अगर आप हमको 100 करोड़ दे तो हम लोग जो एग्जिस्टिंग टीचर्स हैं उनको वीआरएस दे सकते हैं, जब वो लोग वीआरएस लेंगे तो हम लोग नए यंग जनरेशन को क्वालिफाइड टीचर्स को चार्ज दे सकते। एजुकेट स्कूल, आज एडीसी में 18 स्कूल है जहां में टीचर स्टूडेंट्स नहीं है। 210 करोड़ अपना डेवलपमेंट फंड से, 210 करोड़ डेप्थ जिसके लिए आप मार्केट बना सकता है, जिसके लिए आप स्कॉलरशिप दे सकता है, जिसके लिए आप रोड बना सकता है, उसके लिए हम लोग टीचर्स का सैलरी पे करें ओनली फ्रॉम एजुकेशन। 210 करोड़ डेवलपमेंट फंड, किसने हमको यह अधिकार दिया था कि डेवलपमेंट का मनी आप डाइवर्ट करें सैलरी के लिए? ये कोई जवाब देगा? क्यों वो टीचर्स को नौकरी मिला विदाउट रिटन एग्जामिनेशन, विदाउट इंटरव्यू क्यों मिला? सब जानते क्यों मिला, वोट के लिए। पिछले गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी बनाया, मिसमैनेज किया, आज हम लोग सब वी आर ऑल सफरिंग। ऑनरेबल चेयरमैन, दिस इज अ वेरी सीरियस इश्यू, एजुकेशन इज अ वेरी सीरियस इश्यू, एंड आई थिंक दैट वी शुड फॉरगेट आवर पार्टीज एंड थिंक अबाउट आवर नेक्स्ट जनरेशन। वी शुड फॉरगेट अबाउट आवर रिलेटिव्स, भांजा हो, अंकल हो, कोई भी हो, एंड थिंक अबाउट दैट पुअर चाइल्ड जिसको आज क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रहा, क्योंकि आज अगर इनको शिक्षा नहीं मिला कल इनको नौकरी नहीं मिलेगा, कल ये पीछे ही रहेगा। I urge this house also, जो आज मैं बोल रहा हूं, मैं कल शायद नहीं रहूं एडीसी में, मुझे रहना भी नहीं, क्योंकि हाथ को बांध के मुंह बंद करके मुझे यहां में काम नहीं करना। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि जो आज मैं बोल रहा हूं, अगर हम स्ट्रांग नहीं हुए, अगर हमने हमारे दिल में दया और हमारे सोच में बड़प्पन नहीं हुआ, तो हम लोग राजनीति करते रहेंगे, हमारा सोसाइटी गरीब रहेगा, और हमारा सोसाइटी गरीब रहेगा तो हम नीचे रहेंगे, और हम लोग तो पूरा जिंदगी पावर में नहीं रहने वाले। दिस इज माई हम्बल सबमिशन। आई थैंक एमडीसी धीरेन, आई एम सॉरी आपको ज्यादा हेल्प नहीं कर पाता हूं, लेकिन मैंने कोशिश किया, मैंने जेडीयू के लिए कोशिश किया, सब जेडीयू के लिए कोशिश किया, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए कोशिश किया, लेकिन जितना भी करता हूं सिस्टम हमको काम करने नहीं देता, और इसमें किसी को ब्लेम करने का दरकार नहीं है, वी आर आवरसेल्फ्स टू बी ब्लेम। हम लोग सब इन दिस हाउस वी ऑल शुड हैंड अ हैंड इन शेप। यहां में कोई चेंज करने का कोशिश करता है और आप लोग हमेशा हमेशा सिस्टम को टेढ़ा करके बदला कर हमको रियल लोगों को, जो क्वालिफाइड लोग हैं उनको चांस देंगे। कोई हमको हेल्प नहीं करने वाला, गॉड इज नॉट गोइंग टू हेल्प अस, नोबडी इज गोइंग टू हेल्प अस, बिकॉज आवर हार्ट्स आर नॉट प्योर, आवर थिंकिंग इज नॉट क्लियर, एंड आवर माइंड्स आर करप्टेड, एंड दिस गोज टू एवरीवन सिटिंग और आउटसाइड। मैं और ज्यादा दिन नहीं रहने वाला भी, मुझे फ्रस्ट्रेशन है, मुझे घुटन,
और जिस दिन मैं जाऊंगा आप लोगों को याद होगा कि एक आदमी सिस्टम को क्लीन करने आया था, आपने उसको ही दबा कर रखा। लेकिन एजुकेशन इज वन ऑनरेबल चेयरमैन, यहां में अच्छे लोग भी हैं, देयर आर गुड ऑफिसर्स ऑल्सो, देयर आर गुड पीपल देयर, देयर आर गुड पीपल हियर, देयर आर गुड पीपल अप देयर ऑल्सो। I pray, I beg to all of you, आपको मैं हाथ जोड़ के मैं बोलता हूं, बच्चे लोगों का भविष्य को बर्बाद करके थोड़ा पैसा कमाने से यंग लोगों को, लड़का लड़की को जो क्वालिफाइड है उनका भविष्य को बर्बाद करके थोड़ा सा पैसा कमाकर आप पाप कर रहे हो, और एक दिन ये पाप का हमको सबको भुगतना पड़ेगा, और इस पाप में मैं शामिल नहीं हूं। धीरेन्द्र, MDC has raised a good issue. मार्केट के बारे वहां में विद्युत ने बोला, वेरी वेल रेज, लेकिन हम लोग यही में बात करते हैं। स्टेट गवर्नमेंट के सामने हम लोग चूहा जैसा चुप हो जाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने चूहा जैसे चुप हो जाते हैं, हम लोग सब एक संग यहां में हम लोग सब शेर जैसा बात करते हैं, वहां में चुप होते हैं, कब तो हम लोग जाकर एक आवाज में वहां में बात। थैंक यू चेयरमैन, आई होप आज जो मैंने बोला है ये फिर से एक फाइल के नीचे नहर चला जाए, ये फिर से एक भाषण नहीं रहे, क्योंकि अकेला एक इंसान या दो तीन लोग नहीं बदल सकते सिस्टम को। प्राइवेटली हम लोग सब अग्री करते हैं, पब्लिकली हम लोग सब डिसएग्री करते हैं, लेकिन जो हो रहा है ऐसा चलेगा तो तिपरासा का कल्याण नहीं होगा। थैंक यू सो मच, बेलाइन हमारे।